अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, मिलियन ऑफ कॉपीज यू कैन अचीव बाय अ सिंगल जीन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? व्हेन यू क्रॉस टू डिफरेंट प्लांट्स, इवन टू डिफरेंट स्पीशीज, दैट प्रोसेस इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। जब हम दो डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस करवाएं या दो डिफरेंट स्पीशीज़ को अगर आप इसमें क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास टोटली न्यू वैरायटी आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो आपके पास वैरायटी आई है, जो जनरेशन आई है, आप उसको करवा देते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है कि इट्स अ टेक्निक इन विच यू यूज़ अ सिंगल पीस ऑफ अ प्लांट सेल। वो लीफ का भी हो सकता है, वो स्टेम का भी हो सकता है, वो रूट का भी हो सकता है, और आप उस सिंगल सेल से क्या करते हो, आप उस सिंगल सेल से पूरा का पूरा प्लांट क्या कर लेते हो, डिवेलप कर लेते हो। सो हाइब्रिडाइजेशन से आपको न्यू वैराइटीज़ मिली, वो न्यू वैराइटीज़ जब आप उनको प्रोपगेट करवाते हो तो उन न्यू वैराइटीज़ के आपके पास क्या आ गई, मिलियन ऑफ कॉपीज़ आ गई, यानी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स यू कैन अचीव। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंसर्टिंग ऑफ जीन की, तो जीन जब इंसर्ट किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, वो किया जाता है प्रोटोप्लास्ट के अंदर। बिकॉज प्रोटोप्लास्ट ही वो ऑर्गेनेल है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ग्रो कर सके। अगर हम प्लांट के सब ऑर्गेनल्स की बात करें तो प्लांट का जो प्रोटोप्लास्ट है, दैट हैज़ अ करेक्टर टू डिवेलप इंटू अ फुली प्लांट, टू डेवलप इंटू अ फुल मेच्योर प्लांट। तो आप क्या करते हो, उस जीन को किसके अंदर इंसर्ट करते हो, प्रोटोप्लास्ट के अंदर। जब आप जीन इंसर्ट कर लेते हो, देन आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिक पल्सेस देते हो। अब इलेक्ट्रिक पल्स क्यों दी जाती हैं, टू क्रिएट पोर्स, यानी वो जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स बनाने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक पल्स दी जाती है। जब पोर्स बन जाते हैं तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका प्रोटोप्लास्ट के अंदर एंटर हो जाता है और वहाँ पर फिर वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो सबसे पहले जब ये टेक्निक बेसिकली यूज़ की गई, तो उसके अंदर जो हमारा इंजाइम है ल्यूसीफरेज, ल्यूसीफरेज इंजाइम की प्रोडक्शन के लिए जीन को प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो नेक्स्ट उसके बाद फर्दर कॉर्न, वीट, इसी तरह सोयाबीन के प्लांट्स को भी क्या करवाया जा रहा है, वेजिटेटिवली प्रोपगेट करवाया जा रहा है, ताकि कम टाइम में आपके पास क्या है, ज़्यादा प्रोडक्शन आए और बेटर प्रोडक्शन आए। सो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।